and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Swati. आप लोगों को प्रॉब्लम आती होंगी कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए. अगर आपको बेसिक सी लैंग्वेज भी आती होंगी तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो. जस्ट आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए लैंग्वेज का. अगर आपको लॉजिक पता है तो सबका लॉजिक सेम ही लगता है सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जावा और पैथन लैंग्वेज में. कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर लो, लॉजिक सेम लगेगा बट सिंटैक्स अलग अलग है. तो अपन आज ये चारों के सिंटैक्स देखने वाले हैं, चारों लैंग्वेजेस के. तो सबसे पहले अपन देखेंगे सी, फिर सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन. ओके, तो फर्स्ट लैंग्वेज सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड stdio.h. ये अपन प्रोग्राम प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ड. अपन सब इसमें हेलो वर्ड ही प्रिंट करेंगे, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, जावा में और पाइथन में भी. जस्ट सिंटैक्स अलग अलग है. तो हैश इंक्लूड stdio.h, stdio ये अपना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, ये प्री प्रोसेसर है. ओके, और ये लैब, ये हेडर फाइल है प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग की हेडर फाइल. ओके, इंट मेन, ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है यहाँ से, इंट मेन. ओके, ये कमेंट, अपने को अगर सी प्रोग्रामिंग में कमेंट देना है तो स्लैश स्टार के अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड स्टार एंड स्लैश कमेंट बॉक्स. ओके, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ यहाँ पे अपने जो भी प्रिंट करना है यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना और मैसेज प्रिंट करना, जो भी अपने को मैसेज पास करना है. और रिटर्न ज़ीरो इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर लिखा है इसलिए अपन रिटर्न ज़ीरो दे रहे हैं. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न कर रहा है. और ये ओपनिंग, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोजिंग, इसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखना चाहिए अपन. ठीक है, ये हो गया अपना सी प्रोग्राम. सी प्रोग्राम में याद रखना फाइल नेम, फाइल नेम डॉट सी से सेव करना. सेकेंड चीज, जब भी अपन कोई भी एडिटर, मतलब टेक्स्ट एडिटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें ये प्रोग्राम लिखना, फिर फाइल नेम सी डॉट से सेव करना. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना और उसमें देखना कि अपने कौन से सी या डी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में अपनी फाइल है. ओके, और वहाँ से सेव करना फाइल नेम. फिर आउटपुट के लिए, अगर अपने को आउटपुट चाहिए तो सबसे पहले अपने को प्रिंट करना पड़ेगा, आई मीन चेक करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा. कंपाइल के लिए gcc फाइल नेम डॉट सी से कंपाइल करना कमांड प्रो में. और फोर्थ वन, जब कोई भी एरर नहीं रहेगा तो a.out फाइल टाइप करना और अपने को अपना आउटपुट डिस्प्ले होएगा. ये हो गया अपना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब सी प्लस प्लस में क्या होता है, सेम यहाँ पे अपन, यहाँ पे अपन stdio.h यूज़ कर रहे हैं. तो सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम यूज़ करेंगे. आईओ स्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. ओके, यहाँ पे भी, यहाँ पे अपन मेन फंक्शन, मेन एग्जीक्यूट करने के लिए बॉडी जिसमें अपन अपनी अपना प्रोग्राम लिखेंगे. और ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होएगा. यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अपन सी आउट यूज़ करते हैं. और जो भी अपने को मैसेज लिखना है, मैसेज वगैरह, वो अपन स्मॉलर देन
साइन यूज़ करना दो, उसमें मैसेज हेलो वर्ल्ड लिखना और सेमी कोलन, यहाँ पे भी अपन रिटर्न ज़ीरो करेंगे, ठीक है। अब जावा प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जावा प्रोग्रामिंग पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, तो पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे क्लास नेम कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है और हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है वो हेलो वर्ल्ड है। तो याद रखना एच फाइल का नेम हर बार जो भी है स्टार्टिंग में कैपिटल रहना चाहिए, ओके। ये एरर नहीं आएगा, बट रूल है फाइल का नाम लिखने के लिए। फिर ओपन करली ब्रैकेट में जिसमें अपन अपना प्रोग्राम लिखेंगे स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड कमेंट है, कमेंट याद रखना यहाँ पे अपन डबल स्लैश यूज़ करते हैं और सी लैंग्वेज में अपन स्लैश स्टार यूज़ करते हैं, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये एंट्री सेक्शन है, ये यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अगर नहीं रहेगा, अगर अपन भूल गए लिखना, तो ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होएगा, इसके बिना अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सो ये मेन चीज़ है अपने प्रोग्राम में जावा में। फिर जो भी अपने को वैल्यू प्रिंट करनी है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln, याद रखना इसका भी एस कैपिटल रहना चाहिए और स्ट्रिंग का भी एस कैपिटल रहना चाहिए, नहीं तो अपना एरर आएगा प्रोग्राम में, ओके। प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये प्रिंट सिंटैक्स है और ये अपना स्टेटमेंट जो भी अपने को प्रिंट करना है स्टेटमेंट टू बी प्रिंटेड, और इसका ओपनिंग ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट क्लोज कर देना, और ये अपने पूरे ब्लॉक का क्लोज किया अपन ने, ठीक है। अब याद रखना जावा में एक चीज़ याद रखना कि जब भी अपन क्लास का नाम लिखेंगे, मतलब अपन को फाइल सेव करनी है, तो जो भी क्लास का नाम है वो उसी से अपनी फाइल नेम सेव होंगी डॉट जावा से एक्सटेंशन, ओके। ये अगर आपने कोई दूसरे नाम से सेव करी होंगी फाइल तो एरर बताएगा या फिर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होएगा। उसके बाद में अपने को कंपाइल करना है, तो जावा सी फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम, तो यहाँ पे अपना फाइल नेम है जावा, यहाँ पे अपना फाइल नेम है हेलो वर्ल्ड, ओके। और ये कंपाइल के लिए है, रन के लिए जावा फाइल नेम ये रन, मतलब इससे जब अपन जावा फाइल नेम डालेंगे तो अपन अपना आउटपुट प्रिंट होएगा, यहाँ पे अपना आउटपुट क्या प्रिंट होएगा हेलो वर्ल्ड, ओके। अब अपन देखेंगे पाइथन, पाइथन ठीक है, पाइथन में हर बार याद रखना पाइथन सबसे सिंपल लैंग्वेज है। जैसे अपन जो भी अपने को प्रिंट करना है, जो भी अपने को चीज चाहिए डायरेक्टली अपन स्पेसिफाई कर सकते, तो पाइथन में अपन डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इससे अपना डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ओके। बस अपने को इतना सा ही प्रिंट करना है, ये बहुत छोटा सिंटैक्स है पाइथन का, ओके। थैंक यू।